अमित शाह का शिवसेना के साथ गठबंधन टूटने पर बयान, बोले शिवसेना की 50-50 की मांग गलत, पहले ही तय था देवेंद्र फडणवीस होंगे सीएम। अमित शाह ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का किया बचाव, राज्यपाल ने सरकार गठन के लिए दिया 18 दिन। शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस गठबंधन पर बोले शाह, अगर किसी के पास संख्या है तो वे राज्यपाल से करे संपर्क। एनसीपी कांग्रेस की बैठक हुई रद्द, अजीत पवार ने बारामती जाने का बनाया बहाना, शाम 7:30 बजे होनी थी बैठक। शरद पवार ने एनसीपी विधायकों का किया मार्गदर्शन, विधायकों को दिलाया विश्वास, महाराष्ट्र में मध्यावधि चुनाव नहीं होंगे, सूत्रों के हवाले से खबर। महाराष्ट्र में सरकार को लेकर एनसीपी नेता अजित पवार का बयान, कहा नए साल से पहले बन जाएगी नई सरकार। एनसीपी नेता क्लाइड क्रस्टो ने कार्टून के जरिए बीजेपी को मारा ताना, कहा सरकार नहीं बना पाए तो कह रहे हैं अंगूर खट्टे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बाला साहब थोराट का बयान, बोले पहले एनसीपी से करेंगे बात, उसके बाद शिवसेना से करेंगे चर्चा। महाराष्ट्र के राजनीतिक हालात पर उद्धव का बयान, सही समय आने पर सब बताएंगे। महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी ने आगे की रणनीति के लिए कल से बुलाई 3 दिवसीय बैठक, सरकार बनाने पर हो सकता है फैसला। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने संभाला भारी उद्योग मंत्रालय, शिवसेना सांसद अरविंद सावंत के इस्तीफे के बाद सौंपा गया कार्यभार। महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगने पर वरिष्ठ बीजेपी नेता शिवराज सिंह चौहान का शिवसेना को जवाब, ट्वीट पर लिखा, आधी छोड़ पूरी को धावे, आधी मिले न पूरी पावे। 11वें ब्रिक्स सम्मेलन के लिए पीएम मोदी पहुंचे ब्राजील, एयरपोर्ट पर पीएम का हुआ भव्य स्वागत। पीएम मोदी रात 10:30 बजे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से करेंगे मुलाकात, 11:30 बजे ब्राजील के राष्ट्रपति से भी मिलेंगे पीएम। महाराष्ट्र हरियाणा के नतीजों का बीजेपी की रणनीति पर पड़ा असर, पीएम मोदी झारखंड में होने वाले चुनाव में करेंगे 8 से 10 रैलियां। झारखंड विधानसभा चुनाव प्रचार की शुरुआत अगले हफ्ते करेंगे पीएम मोदी, पलामू डाल्टनगंज क्षेत्र में करेंगे पहली रैली। एसपीजी सुरक्षा हटने के बाद सोनिया गांधी की सुरक्षा की कमान अब सीआरपीएफ ने ले ली है, 10 जनपद सीआरपीएफ के कमांडो की एक टुकड़ी तैनात की गई है। सोनिया के अलावा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की एसपीजी सुरक्षा केंद्र सरकार ने पिछले सप्ताह वापस ले ली थी। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की सूची की जारी, सोनिया गांधी, राहुल और मनमोहन सिंह करेंगे चुनावी प्रचार। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की बिगड़ी तबीयत, लखनऊ पीजीआई में इमरजेंसी में भर्ती कराए गए मुलायम सिंह यादव। प्रिंस चार्ल्स ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से की मुलाकात, राष्ट्रपति भवन का किया दौरा, बंगला साहिब में भी गए चार्ल्स। बिहार की राजधानी पटना में महागठबंधन सड़क पर उतरा, उपेंद्र कुशवाहा और शकीक अहमद ने बेरोजगारी का उठाया मुद्दा। पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम को नहीं मिली जमानत, सीबीआई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 27 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा। कर्नाटक के कांग्रेस और जेडीएस के 17 अयोग्य विधायकों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, अयोग्यता बरकरार लेकिन उपचुनाव लड़ने का मिला मौका। कर्नाटक में विधानसभा उपचुनाव समय पर होंगे, उम्मीदवार 18 नवंबर तक कर सकते हैं अपना नामांकन, 5 दिसंबर को होना है मतदान। कर्नाटक के अयोग्य करार दिए गए 17 विधायक बीजेपी में होंगे शामिल, गुरुवार को बीजेपी का बनेंगे हिस्सा। कर्नाटक के 17 विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने को पूर्व सीएम देवेगौड़ा ने बताया सही, बोले स्पीकर का फैसला था गलत। आरटीआई के दायरे में आएगा सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने आरटीआई एक्टिविस्ट की याचिका पर सुनाया फैसला, चीफ जस्टिस का ऑफिस आरटीआई कानून के भीतर। फाइनेंस एक्ट 2017 पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला, रंजन गोगोई ने मामले पर विचार के लिए 7 जजों की बड़ी बेंच को भेजा। कोर्ट ने फाइनेंस एक्ट के सेक्शन 184 को रखा बरकरार, सरकार को फिर से नियम बनाने का सुनाया फैसला। सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार का दिन है काफी महत्वपूर्ण, राफेल और सबरीमाला मामले में दायर पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट कल सुबह 10:30 बजे सुनाएगा फैसला। जेएनयू में छात्रों के विरोध प्रदर्शन के आगे झुकी सरकार, यूजीसी ने छात्रों की मांग पर बढ़ी हुई हॉस्टल फीस वापस ली। कोलकाता में डेंगू के बढ़ते मरीजों को लेकर ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल, सड़कों पर किया प्रदर्शन।
डेंगू के बढ़ते मरीजों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों और पुलिस की भिड़ंत, पुलिस ने बल प्रयोग कर रोका। चंद्रयान 2 ने भेजी चांद की 3D इमेज। इसरो ने चंद्रयान 2 के टेरेन मैपिंग कैमरे के जरिए क्रेटर के 3D व्यू की तस्वीर की जारी। गुरुवार से प्रगति मैदान में शुरू होगा 39वां वर्ल्ड ट्रेड फेयर। 27 नवंबर तक चलेगा ट्रेड फेयर, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी करेंगे उद्घाटन। पीएम मोदी के अब तक अयोध्या न आने पर संत नाराज, महंत नित्य गोपाल दास ने कहा जिसे गरज वो खुद आए। यूपी बोर्ड ने 2020 में होने वाली परीक्षाओं के लिए 7761 परीक्षा केंद्रों की सूची की जारी। पिछले साल के मुकाबले 593 परीक्षा केंद्र हुए कम। अमेठी में बदमाशों ने आपसी विवाद के चलते भट्टा मालिक की गोलियों से भूनकर की हत्या। परिजनों ने शव अस्पताल के गेट पर रखकर किया प्रदर्शन। फिरोजाबाद में साइड न देने पर बाइक सवारों ने की रोडवेज बस पर फायरिंग, बस ड्राइवर हुआ घायल, हमलावर फरार। कुशीनगर के बैरागी पट्टी गांव में मस्जिद में हुआ ब्लास्ट, विस्फोट की जांच में ATS की टीम जुटी। बिजनौर में बंद पड़े मकान में चोरी करना पड़ा भारी, कमरे में हुए विस्फोट में चोर की हुई मौत। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में दो मासूम बच्चियों के साथ दुष्कर्म, सूरजपुर कोतवाली क्षेत्र की वारदात, पुलिस ने दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। ललितपुर जमीन विवाद के चलते असामाजिक तत्वों ने गरीबों के घरों को किया आग के हवाले, पीड़ितों ने न्याय की गुहार लगाई। उन्नाव में बारातियों से भरी बस अनियंत्रित होकर खाई में गिरी, हादसे में दो लोग हुए घायल। हापुड़ में तेज रफ्तार कंटेनर ने ऑटो को मारी टक्कर, ऑटो में बैठे दो बच्चों सहित 6 लोग हुए घायल। यूपी के सोनभद्र में तापीय परियोजना के टरबाइन के जनरेटर में लगी आग, फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर पाया काबू। यूपी के गौतम बुद्ध नगर में पुलिस ने होमगार्ड की फर्जी हाजिरी लगाकर करोड़ों रुपए के घोटाले का किया खुलासा, होमगार्ड महानिदेशक ने जांच के लिए गठित की कमेटी। जौनपुर में बिजली जूनियर इंजीनियरिंग संगठन का धरना प्रदर्शन, DHLF कंपनी को दिए पैसे वापस लौटाने की मांग। उत्तराखंड कैबिनेट ने नई स्टोन क्रसर नीति को दी मंजूरी, स्टोन क्रसर लगाने के लिए अब 10 साल तक मिलेगा लाइसेंस। देहरादून में 9 IAS और 50 अधिकारियों को राज्य संपत्ति विभाग का नोटिस, रिटायर तबादला होने के बाद भी सरकारी आवासों पर कब्जा जमाए हैं कई अधिकारी। मध्य प्रदेश सरकार को बड़ा झटका, नगरपालिका और नगर निगम की सीमाओं को घटाने बढ़ाने की प्रक्रिया पर लगा स्टे। प्रहलाद लोधी की सदस्यता मामले में राज्यपाल से मिली BJP, शीत सत्र से पहले बहाली की मांग, हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाने की तैयारी में पार्टी। MP में अनिवार्य नहीं होगा मिड डे मील में अंडा देना, मंत्री PC शर्मा का बयान, पसंद के मुताबिक बच्चे खा सकेंगे फलिया अंडे, सरकार ने प्रस्ताव में किया संशोधन। इंदौर में क्राइम ब्रांच ने पकड़ा लूटपाट करने वाला गिरोह, दो पिस्टल चाकू और हथियार बरामद। निकाय चुनाव से पहले पुलिस महकमे में सर्जरी की तैयारी में भूपेश सरकार, जल्द होगा SP DSP समेत राज्य सेवा के कई अधिकारियों का तबादला। सूरजपुर पुलिस ने नशीली दवाइयों के अंतर्राज्यीय गिरोह पर कसा शिकंजा, पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बेमेतरा के साजा ब्लॉक में 280 गायों के बीमार होने से मचा हड़कंप, कोदो की फसल खाने से एक गाय की मौत, 100 से ज्यादा की हालत गंभीर। झारखंड में विधानसभा चुनाव लड़ेगी समाजवादी पार्टी, पार्टी ने जारी की पहली सूची, 25 से 30 सीटों पर चुनाव में लड़ेगी समाजवादी पार्टी। कैमूर में आपसी विवाद में हुई फायरिंग, 18 लोग हुए घायल, 9 लोगों को लगी गोली, घायलों को वाराणसी किया गया रेफर। नालंदा के गिरियक थाना क्षेत्र NH20 पर ट्रक और ऑटो के बीच टक्कर, 5 लोगों की मौत, 5 लोग गंभीर रूप से घायल। हाजीपुर में पुल के पास मिली महिला की लाश, लाश की पहचान करने में जुटे पुलिस। अररिया के रानीगंज में जमीन विवाद में एक शख्स की गोली मारकर हत्या, गांव के ही लोगों ने जमीन विवाद में मारी गोली। इनकम टैक्स टीम ने बिहार के गया में की बड़ी कार्रवाई, बुद्धिस्ट थाई सोसाइटी के नाम पर फर्जी तरीके से खरीदी गई 7 बीघा 5 कट्टा जमीन को किया जब्त।
बिहार के नालंदा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अपग्रेड कर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने के बाद भी यहां है बदहाली का आलम। इन स्वास्थ्य केंद्रों में ना तो पूरा स्टाफ मौजूद है ना ही सुविधाएं। निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी। गहलोत, डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने घोषणा पत्र में 25 बिंदुओं को किया शामिल। राजस्थान पुलिस अब खुद से खरीद सकेगी यूनिफॉर्म। राजस्थान सरकार ने वर्दी ग्रांट के लिए मंजूर किए 7,000 रुपए सालाना। राजस्थान के सेंट्रल जेल में महिला कैदी ने की आत्महत्या। परिजनों ने जेल में बंद किन्नरों पर लगाया आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप। भरतपुर में एसीबी की टीम ने की बड़ी कार्रवाई। पुलिस कांस्टेबल को 5 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथ किया गिरफ्तार। जालौर में एसीबी ने भूमि विकास बैंक के मैनेजर को किया गिरफ्तार। आरोपी मुकेश मीणा को 5,000 रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। राजस्थान के हनुमानगढ़ में पराली जलाने से ट्रैक्टर और ट्रॉली में लगी आग। ट्रॉली जलकर खाक। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। सीकर के अशोक विहार यूनियन बैंक में अचानक लगी आग। दमकल ने आग को मौके पर पहुंचकर बुझाया। करतारपुर साहिब गुरुद्वारे जाने में कागजी कार्रवाई बनी रोड़ा। कॉरिडोर से जाने वाले श्रद्धालुओं की घटी संख्या। हरियाणा मंत्रिमंडल का विस्तार होगा कल। 7 से 8 नए मंत्रियों को दिलाई जाएगी शपथ। हैदराबाद का एक वीडियो आया सामने जिसमें एक आदमी एक बच्चे को बेतहाशा पीटे जा रहा है। आरोपी के खिलाफ आईपीसी और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज। पश्चिम घाट में हो रही लगातार बारिश की वजह से तमिलनाडु के मदुरई में बहने वाली मदुरई वैयागी नदी उफान पर। पिछले 3 दिनों से खतरे के निशान के ऊपर बह रही है नदी। लाहौर स्पीति में बर्फबारी के बाद रास्ते बंद। बीआरओ ने रास्तों से बर्फ हटाने का काम किया शुरू। बर्फबारी के बाद मनाली लेह रोड खुला। गाजा पर इजरायली हवाई हमले के बाद गाजा ने की जवाबी कार्रवाई। गाजा ने इजरायल पर एक के बाद एक सैकड़ों मिसाइलें दागी। गाजा के हमले के बाद कई लोगों के मारे जाने की खबर जबकि 100 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल। पाकिस्तान में सब्जियों की कीमतों में लगी आग। पाकिस्तान में टमाटर 200 से 300 रुपए किलो, गोभी 150 रुपए किलो, अदरक 500 रुपए और प्याज 200 रुपए किलो में बिक रही है। लेबनान में प्रदर्शन के दौरान मच गई भगदड़। एक प्रदर्शनकारी की मौत। थाईलैंड में कोर्टरूम में चली गोलियां। 3 लोगों की मौत। मरने वालों में 2 वकील शामिल। मेक्सिको ने बोलीविया के पूर्व राष्ट्रपति इवो मोरालेस को दी देश में शरण। मोरालेस ने चुनाव नतीजों में गड़बड़ी के आरोपों के बाद सेना और जनता के बढ़ते दबाव के बीच रविवार को दिया था इस्तीफा। इटली के वेनिस में पिछले कई दिनों से हो रही है भारी बारिश। बारिश से नदियां उफान पर। जल जमाव से वेनिस शहर का यातायात पूरी तरह से ठप। इंग्लैंड में आई बाढ़। बाढ़ पर गहराई राजनीति। यूके इलेक्शंस में बाढ़ के मुद्दे ने पकड़ा तुल। हांगकांग में चल रहा प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने कार में लगाई आग। हांगकांग में प्रदर्शन हुआ हिंसक। प्रदर्शनकारियों ने ट्रैफिक लाइट्स भी तोड़े। भारत और बांग्लादेश के बीच इंदौर में कल से शुरू होगा पहला टेस्ट मैच। मैच से पहले भारतीय टीम ने जमकर बहाया पसीना। टेस्ट मैच के लिए टीम इंडिया तैयार। अजिंक्य रहाणे ने पिंक बॉल से खेलने का बताया तरीका। बल्लेबाजों को बॉल लेट खेलने की दी सलाह। पिंक बॉल को लेट खेलना फायदेमंद। भारत में पहले डे नाइट टेस्ट की गवाह बन सकती हैं बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना। घंटी बजाकर मैच की करेंगे शुरुआत। दीपक चाहर ने 3 दिन के अंदर दूसरी हैट्रिक की अपने नाम। मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी में विदर्भ के खिलाफ चाहर ने ली हैट्रिक। पाकिस्तान सुपर लीग से एबी डिविलियर्स ने लिया नाम वापस। इस सीजन में नहीं खेलेंगे एबीडी। एशियन चैंपियनशिप में भारतीय निशानेबाजों का बेहतरीन प्रदर्शन जारी। जूनियर शूटर श्रीकांत धनुष ने 10 मीटर राइफल इवेंट में जीता गोल्ड। हांगकांग ओपन में वर्ल्ड चैंपियन पीवी सिंधु ने की विजयी शुरुआत। जीत के साथ प्री क्वार्टर फाइनल में जगह की पक्की। सर्बिया की कड़ाके की ठंड में टाइगर श्रॉफ कर रहे हैं अपनी फिल्म बागी 3 की शूटिंग। टाइगर ने सर्बिया से किया एक इंस्टाग्राम पोस्ट। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फिल्म मोतीचूर चकनाचूर की मुसीबतें हैं जारी। अब बिहार सिविल कोर्ट ने मोतीचूर चकनाचूर की रिलीज पर लगाई रोक। खूबसूरती और एक्टिंग का जलवा बिखेर चुकी दिग्गज एक्ट्रेस राखी गुलजार 16 साल बाद करने जा रही है फिल्मों में वापसी। गौतम हल्दर की फिल्म निर्माण से सिल्वर स्क्रीन पर दे रही है दस्तक।
दिल्ली के प्रदूषण की वजह से कार्तिक आर्यन और जानवी कपूर स्टारर फिल्म दोस्ताना 2 की शूटिंग रोक दी गई है।